यहाँ पर शानदार हरवा मिर्ची बनकर तैयार हो गया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देख लीजिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुकंती, सुकंती किचन में आप लोगों को स्वागत है। देख लीजिए आज और एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आधा किलो हरी मिर्च ले लिया है, उसका भरवा मिर्ची बनाने वाली हूँ और भरवा मिर्ची की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ कूट कर ले लिया था और अदरक कद्दूकस करके ले लिया है और आलू को मैच करके ले लिया है। इसका स्टफिंग बनाऊँगी। पहले से मैं कढ़ाई गर्म करके रख लिया था। ये देखिए कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, तो मैं मीडियम साइज़ का चम्मच से मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ और तेल गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो गया है। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1 टी स्पून जीरा और अदरक को मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हल्का ब्राउन कर लूँगी। देख लीजिए ब्राउन हो चुका है। अभी मैं थोड़ी सी लहसुन और हरी मिर्च जो कूट कर लिया था उसको मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और धनिया पाउडर 1 टीस्पून से ज़्यादा डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाला है। तो सारे मसाला को अच्छे से भून कर ले लेंगे और देख लीजिए ज़्यादा भूनना नहीं है, एकदम धीमा आंच में ही भूनना है। और अभी मैं मैच करा हुआ आलू को मैं ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से मसाला में मिला कर ले लेंगे और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है और भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और साथ में इसको मैं 2-3 सेकेंड के लिए मैंने अच्छे से भुनूंगी ताकि नमक भी अच्छे से सारे मसाला अच्छे से मिल जाए। 2-3 सेकेंड ही भुनना है, उतने में अच्छे से स्टफिंग बन जाता है। देख लीजिए अब स्टफिंग भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं सारे शिमला मिर्च को भर कर ले लूँगी। इस तरह के भरें मैं भी मतलब अच्छे से भर कर ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले मैं मिर्ची को भर कर ले लेती हूँ और साथ साथ मैं फ्राई पैन भी गरम करने रख दिया था और फ्राई पैन भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे 2 टीस्पून से बड़ा वाला चम्मच से मैंने ऑयल डाल दिया था और जीरा डाल दिया है। यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर ले लिया था, उसको भी अच्छे से मैं यहाँ पे ऐड करके हल्का ब्राउन होने तक मैंने भुना है। और अभी भर कर ले लिया है सारे मिर्ची को, स्टफिंग भर कर ले लिया है अच्छे से। इसको हल्के हल्के हाथों से मिलाना है, एकदम जल्दी जल्दी नहीं मिलाना है, मैं तो सारे मसाला यहाँ से निकल जाएगा सारे मिर्ची से। और इसको 2-3 सेकेंड के लिए इसी तरह मैं सारे मिर्ची को अच्छे से मिलाकर छोड़ फ्राई पैन में छोड़ दूँगी। तो देख लीजिए इसी तरह आप लोग भी करें। और अभी मैं ढक्कन यहाँ पर 3 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा दूँगी। बीच बीच में मैं चेक करते रहूँगी क्योंकि मिर्ची बहुत जल्दी ही पक जाती है, तो बीच बहुत ध्यान रखना होता है, तो आप लोग भी ऐसे ध्यान रखिएगा। और देख लीजिए ऑलमोस्ट सब मेरे सब्जी बनकर तैयार हो गया है। मैं बीच में चेक भी किया था, ऑलमोस्ट कितना बढ़िया दिख रहा है। और इसी तरह बनाइए खाइए, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और देख लीजिए कितना अच्छे से सब्जी दिख रहा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।